Assalamualaikum. Cheers to them. Shalom Deep and I'm Munir. And I'm Mohammed Hafiz. You get the Harmon Kajan Kajan. Three adjectives. Back with a new video. Back with Queen Korea. Back with 10 things you don't know about BTS, Jungkook and V. बाकी सब मेंबर्स के हमने पकड़ लिए थे 10 इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट फैक्ट्स अबाउट. तो ये अब वी और जंगकुक रह गए थे, तो हम देखते हैं कि इनके कौन से फैक्ट्स हैं. उन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज बताई थी, और यस उनके नेम, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, इनकम और सब कुछ. तो फिर देखते हैं इन दोनों के बारे में. चलते हैं वीडियो की तरफ. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करें, सब फॉलो करें. Information.
स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको लेजी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चंकू को गंदा फर्क नहीं पड़ता अगर वो लड़की बहुत दूर रहती है, मतलब कि अमेरिका या इंडिया में, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए तैयार है। तो मेरी प्यारी छोटी बहनों, अगर आपको चंकू को पटाना है तो प्लीज आप एक्टिव और स्पोर्ट्स और जिम ज्वाइन कर लीजिए। नंबर 5 फेवरेट फूड। सो यूजुअली चंकू को सारा खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसका फेवरेट खाना वो होता है जो कि आटे से बना हुआ होता है, जैसे कि पास्ता, पिज्ज़ा, ब्रेड। एक्चुअली रोटी भी आटे से बनी हुई होती है, लेकिन मुझे पता नहीं कि उसने कभी रोटी ट्राई करी है नहीं, लेकिन अगर वो रोटी ट्राई करे ना तो उसको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि वो भी आटे से बनी हुई है। तो गाइस, ये थे 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट चंकू। और अभी हम बात करते हैं वी के बारे में। नंबर 1 फैमिली। सो जो बाकी के BTS मेम्बर्स हैं वो बिलोंग करते हैं मिडिल एवरेज फैमिली से, लेकिन थेयोंग की बात ही अलग है, क्योंकि वो बिलोंग करता था ओरिजिनली एक बहुत ही गरीब फार्मर की फैमिली से। तो क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा नहीं था, तो उन्होंने वी को बेच दिया उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर, और वहाँ पर ही वी पला बड़ा हुआ। तो एक्चुअली वी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उसके मम्मी पापा की तरह मानते हैं, क्योंकि 14 साल तक वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर ही पला बड़ा हुआ है। तो एक्चुअली वी है सबसे बड़ा अपनी फैमिली में, उसका एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। तो इवन तो वी के फैमिली के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उन्होंने कभी वी को मना नहीं करा सिंगर आइडल बनने के लिए, उन्होंने हमेशा उसको सपोर्ट करा, उन्होंने बोला कि तुम्हें जो भी कुछ करना है हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो इस चीज़ की वजह से वी अपनी फैमिली, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ही प्यार करता है। और जब वी का सिलेक्शन हुआ था अभी गेट में, और वो देख उससे स्कॉलरशिप हो गया था, तो उसकी मम्मी ने एक एक पैसे जमा करके उसके लिए एक महंगा वाला ब्रांड वाला कोट खरीद के उसको सोवर भेजा था। नंबर 2 सुपर पावर। तो क्योंकि वो अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है, उनसे मिल नहीं सकता क्योंकि वो इतना बिजी रहता है, तो उसका सुपर पावर होना चाहिए टेलीपोर्ट, ताकि वो जब चाहे कभी भी चाहे अपनी फैमिली से मिल सके। तो शायद आपने नोटिस करा कि जब भी थेयोंग सोता है तो हमेशा कुछ चीज हक करके सोता है। नंबर 3 ईयर्स। सो यूजुअली जो इंसान होते हैं, जो आम प्राणी होते हैं, वो अपने कान खुला नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेशल टैलेंट है, अपने दोनों कानों को वो खिला सकता है। सो पूरी दुनिया में ओनली 10% इंसान अपने दोनों कान खिला सकते हैं। सो ओरिजिनली जो कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, अटेंशन करने के लिए वो अपने कान खिला सकते हैं, हम आम इंसान वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। सो इसका यह मतलब है कि जो वी की हियरिंग सिस्टम है ना, वो हमारे से ज़्यादा डिवेलप्ड है। नंबर 5 आइडियल गर्ल। तो किस तरह की लड़की लॉन्डी वी को पसंद है? सो वी को पसंद है लंबी जुल्फों वाली लड़की, और क्योंकि बचपन में उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसको ऐसी लड़की पसंद है जो कि अपने पैसे वाइजली खर्च करें, ना कि फालतू चीज़ों में खर्च करें। नंबर 6 बोनस फन फैक्ट फूड। सो वी एक बहुत ही पिकी ईटर है, उसका मतलब है कि वो सब कुछ नहीं खाता, वो बहुत ही चूज करके खाना खाता है। वो स्पाइसी फूड नहीं खा सकता, उसको कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिना कोका कोला या स्प्राइट के साथ खाना नहीं खाता, और उसका फेवरेट फूड है जलमयांग या फिर बर्गर। सो गाइस, ये थे आज के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट चंकू एंड वी। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना कि आपको इन फन फैक्ट्स के बारे में कितने सारे पता थे, और अगर आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं BTS के बारे में या आदर K-pop ग्रुप्स के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। सो आई होप कि आपको आज का भी ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा क्वीन स्टोर चैलेंज या फिर सोल व्लॉग, अभी मुझे पता नहीं है। सो आई सी यू वेरी वेरी सून गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, बाय, बैक अगेन। आप लोगों ने देखा जैसे इन्होंने जंकूक और वी के बारे में बताया प्रॉपर तरीके से। यस, और ये फैक्ट्स, ये हमें गोल्डन मैकेनाइम पे हमने ये देखा था आइडियाज की तरफ से कि क्यों क्यों है वो पेंटिंग जानता है हर चीज, लेकिन ये चीज हमें भी पूछ पा चली कि उनकी मदर को एक ड्रीम आया था जिसमें के बारे में गोल्डन रेन हो रही थी, जिसकी वजह से जंकूक को ये नाम दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आई थिंक वो ने सचिन वगैरह करके ही बोला होगा, छपरी खबरी सब कुछ है। हाँ, और अभी हमने नीचे इनके वीडियोस के कमेंट्स भी नहीं पढ़े, ताकि हमें पता चले कि नीचे लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे, और हम भी थोड़ा सा सर्च करेंगे। बहुत ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ब्लॉग बनाती है। और ये अब हमने 7 के 7 मेंबर्स के ये कर लिया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मतलब जब कोई नहीं आएंगे तो अब बर्थडे व्लॉग्स ही हैं जो BTS के हैं, और कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो भी हम लास्ट में। हां, वीडियो के चैनल में देखिए, सब्सक्राइब करो।